हे फ्रेंड, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे नेव बायस एल्गोरिथम के न्यूमेरिकल पे टाइप टू। टाइप वन हमने ऑलरेडी बना के रखा है तो आप उसे चेक कर सकते हो। चलो हम स्टार्ट करते हैं टाइप टू। तो टाइप टू होता है क्या, सबसे पहली चीज़ तो ये, तो पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आता है, फ्रीक्वेंसी टेबल करके दिया रहता है, ऐसा कुछ डेटा रहता है और इस डेटा के बेसिस पे बोलते हैं नेव बायस एल्गोरिथम अप्लाई करो और जो प्रिडिक्शन है, जो क्लासीफायर है वो आप बताओ। तो यहाँ पर हमारा डेटा फ्रूट है जो क्लास का काम करने वाला है, मैंगो, बनाना एंड अदर्स, और बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं येलो, स्वीट और लॉन्ग। तो इन एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे हम लोगों को क्लासीफाई करना है कि जो फ्रूट होगा उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कौन से फ्रूट की है, मतलब मैंगो की है, बनाना की है, किसी और फ्रूट की। तो चलो देखते हैं ये सबको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूँ मैंगो एज अ फ्रूट। तो अगर मैं मैंगो एज अ फ्रूट लेता हूँ तो मुझे करना क्या है, एज पर नेव बायस थ्योरम प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है कि फ्रूट इज अ मैंगो। तो यहाँ पर एक्स रिप्रेजेंट ये कर रहा है कोई पर्टिकुलर क्लास के लिए आप मैंगो एज एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर रहे हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन ऑन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ऑन ए इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये होता है सिंपल टर्म्स में नेव बायस का फॉर्मूला। अब यही फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पर यूज करना है, बट उससे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मैंगो, इसमें आपके पास टोटल तीन एट्रीब्यूट है, येलो, स्वीट और लॉन्ग। तो ये तीनों एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे हम लोगों को क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट ये जो एक्स चेंज होने वाला है मैंगो येलो कलर का है इनटू प्रोबेबिलिटी मैंगो इज स्वीट इनटू प्रोबेबिलिटी मैंगो इज लॉन्ग। यहाँ पे M मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ जस्ट फॉर मैंगो इक्वल्स टू। अभी ये चीज़ आप डायरेक्ट तो निकाल नहीं पाओगे ये तीनों के तीनों, इन तीनों को सेपरेटली निकालना पड़ेगा। तो चलो इन तीनों को हम ज़रा सेपरेटली निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो इज येल्लो, Y रिप्रेजेंट्स येल्लो और M रिप्रेजेंट्स मैंगो। तो एज पर दिस फॉर्मूला हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो टू बी येल्लो इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ येल्लो डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो। अब ये प्रोबेबिलिटीज किस बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो मैंगो इज येलो, तो यहाँ पर आ जाओ मैंगो और येलो इनका इंटरसेप्शन है 350, राइट। तो यहाँ पे आ गया 350। अब क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है तो डिवाइड बाय समथिंग होगा। अब डिवाइड बाय समथिंग क्या होगा, तो यहाँ पर लास्ट वाला सच दैट कंडीशन देखो, येल्लो है यहाँ पे, तो येल्लो का टोटल कितना है 800। तो 800 यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येल्लो, येल्लो का टोटल कितना है 800, और कितने में से ये इसका फाइनल टोटल यहाँ पर 1200 में से। तो 800 डिवाइड बाय 1200 होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मैंगो, तो मैंगो का टोटल कितना है 650 आउट ऑफ हाउ मच 1200, तो 650 अपॉन 1200। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, तो 350 डिवाइड बाय 800 इंटू 800 डिवाइड बाय 1200, और ये अगर ऊपर जाता है तो 1200 अपॉन 650, 1200 गेट्स कैंसल्ड, 800 गेट्स कैंसल्ड, 0 गॉन, 35/65। तो अगर मैंने इसे 5 से डिवाइड किया तो इट विल गिव मी 7/13। तो प्रोबेबिलिटी दैट मैंगो इज येल्लो वो मिला मुझे 7/13। अब इसी तरह मुझे स्वीट और लॉन्ग के लिए भी कैलकुलेट करना है। इसे मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो मैं करता हूँ फॉर स्वीट एंड लॉन्ग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्वीट मैंगो, सो दिस इज इक्वल टू probability of mango to be sweet into probability of sweet divided by probability of mango. तो mango to be sweet क्या है इसका intersection 450 out of how much 850, तो 450 divided by 850 into sweet 850 by 1200 into मैंगो, मैंगो का प्रोबेबिलिटी हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा था, इट वॉज 650/1200। तो इसे मैं ऊपर लाकर डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1200/650। कैंसिल, यहाँ पे 450 ये 0 गया, तो 45/65 बचा, तो 45/65 रिप्रेजेंट्स 9/13। सिमिलरली अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग, येल्लो हो गया, स्वीट हो गया, अब बारी है लॉन्ग की, तो लॉन्ग mango is equal to probability of mango to be long into probability of long divided by probability of mango. This is equal to a mango is long, तो उसका कितना है यहाँ पे 0, so ये हो गया 0 into probability of getting long is 400/1200
और मैंगो, मैंगो का कितना था 650 बाई 1200। अब क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू जीरो है तो अब फाइनल आंसर भी क्या होगा, जीरो ही होगा, तो यहाँ पे कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल हमें तीन कंडीशन चाहिए थे, हमने तीनों कंडीशन निकाल दिए। मान लो ये इक्वेशन नंबर थ्री है, ये इक्वेशन नंबर फोर है और यहाँ पर थी इक्वेशन नंबर ये टू। तो इक्वेशन नंबर वन में मैं टू थ्री और फोर का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ, मतलब यहाँ पर। तो चलो सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ फ्रॉम जस्ट राइटली सब्सटीट्यूट इक्वेशन नंबर टू थ्री एंड फोर इन वन, तो हो जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू बी अ मैंगो इज इक्वल टू 7/13 जो आपको इक्वेशन नंबर टू से मिला, फिर यहाँ से मिलेगा 9/13 इंटू जीरो। तो ये क्या हो गया, जीरो, दैट फ्रूट मैंगो होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मिली जीरो। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट। अब बारी आती है सेकेंड एट्रीब्यूट की। सेकेंड एट्रीब्यूट है हमारे पास एज बनाना। सो जिस तरह हम लोग ने मैंगो के लिए किया, सेम चीज बनाना के लिए भी करने वाले हैं। ये वैल्यूज मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है, तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता देता हूँ। एक्स टू बी अ बनाना इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट बनाना इज येलो इंटू प्रोबेबिलिटी बनाना इज स्वीट इंटू प्रोबेबिलिटी इट इज लॉन्ग। ये मुझे वैल्यूज निकालने हैं, राइट। अब जैसे हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में किया, हर एक को इंडिविजुअली निकाल के लिया, उसी तरह मैंने यहाँ पे पहले से निकाल के रखा है। तो येलो का वन होता है प्रोबेबिलिटी, गेटिंग स्वीट इट इज 3/4 और गेटिंग लॉन्ग इट इज 7/8। तो अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक 21/32 और अगर आप इसे डिवाइड कर लोगे तो यू विल गेट 0.6563। तो ये होगी बनाना की प्रोबेबिलिटी। अब बचा थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में हम लोग के पास फ्रूट एज अदर्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर्स के लिए, सो प्रोबेबिलिटी दैट फ्रूट इज ऑफ कैटेगरी अदर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी येल्लो विद अदर इंटू प्रोबेबिलिटी स्वीट विद अदर इंटू प्रोबेबिलिटी लॉन्ग विद अदर। ओके, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल, येल्लो फॉर अदर इज 1/3, स्वीट फॉर अदर इज 2/3 एंड दिस इज लास्ट वन लॉन्ग 1/3। तो अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो इट इज 2/27 विच विल गिव यू 0.0741। ओके, अब ये तीनों वैल्यूज निकाल लिए, इसका जीरो आया, इसका 0.6563 आया और 0.0741 इसका आया। अगर आप इन तीनों वैल्यूज में कंपेयर करो तो ये तीनों वैल्यू कंपेयर करने पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसका है इन तीनों में, अगर आप देखोगे बनाना का सबसे हाईएस्ट वैल्यू, राइट। तो बस ये फ्रूट क्लासीफाई होगा एज बनाना। तो आप लिख दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू बी अ बनाना इज हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल, देयरफॉर द फ्रूट इज क्लासीफाइड एज बनाना, द फ्रूट इज क्लासीफाइड एज बनाना। ओके, तो आई होप सो आपको ये सब समझ में आया, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लो। दैट्स इट फॉर अवर वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करो और अपने दोस्तों से शेयर करो जिन्हें ऐसे इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।